नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा कब कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 में, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? लाल रंग में, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा, 16वां आईपीएल जो संस्करण हुआ है, फाइनल मैच कौन जीता है? किसके किसके बीच में हुआ था? कौन से स्टेडियम में हुआ था? जीतने वाले टीम को कितना इनाम मिला? 20 करोड़। सही है, 13 करोड़। आगे वाले को 13 करोड़। आपको बताइएगा, राज के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया? ठीक है। आप लोग बताइएगा, पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्र की संख्या कितनी होती है? पैरामीशियम क्या है? एक। बोलिए कोई बोल रहे हैं? राइट आंसर 2 है। पैरामीशियम में केंद्रक में 2 पाए जाते हैं, ठीक है। पैरामीशियम पाए जाने केंद्रक की संख्या कितनी? 2। चलिए आपको बताइएगा, किस दिल्ली सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? बोलिए, साउंड बढ़ाइए, ठीक है। इल्तुतमिश के समय, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा, हुमायूं नामक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम का संबंध अकबर से क्या था? हुमायूं के अकबर की फुआ थी। अकबर की फुआ, बाबर की बहन। चलिए आप लोग बताइएगा, बाबर की बेटी था हुमायूं की बहन, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा, रिश्ता के ज्यादा रेंज नहीं किए, ठीक है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच में खेला गया था? चलिए आप लोग बताइएगा, राइट आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ विश्व कप पूछा जा रहा है, पहला मैच नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। भारत, ठीक है। विश्व कप का जो पूछेगा ना, विश्व कप का क्या हो जाएगा? ऐसे तो मैच सबसे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, वनडे वर्ल्ड कप। जब आपसे अगर विश्व कप पूछे तो भारत के बीच में हुआ था, ठीक है। और टेस्ट मैच भी भारत के बीच और भारत का पहला मैच इंग्लैंड के बीच में हुआ था 1932 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा, मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? मिड डे मील जो 1995 में, अगर आपको डेट मालूम हो, 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, अगर डेट आपको मालूम हो या पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सेट सही डाले हुए हैं, तो 8वीं जो मिड डे मील जो है, मिड डे मील जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995। और ये मिड डे मील सबसे पहले किस राज्य से शुरू हुआ? तमिलनाडु से, ठीक है। चलिए, तो इसी समय भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में, ठीक है। अनुपम झील किस राज्य में स्थित है? अनुपम झील बिहार। ले ले बिहार। अब बताइए, बिहार के किस जिला में है? आप लोग बोलिए, पश्चिम कैमूर में है, ठीक है, कैमूर जिला में है। अनुपम जो झील है, एक कैमूर जिला में है, ठीक है। याद रखिएगा, पूरा बता देते हैं, जैसे यह कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के भभुआ कस्बे के पास कैमूर जिला में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, ठीक है। और इसमें लगभग 1342 किलोमीटर² का क्षेत्र शामिल है, इसी में यह झील है, ठीक है। कौन झील? अनुपम झील। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है। मेघालय में, बहुत अच्छा। उमियम झील मेघालय में, छोटा झील के मान्यता है। आप बताइएगा, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। सूर्य की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। तो बैरोमीटर का खोज कौन किया था? टोरी शेली। तो बैरोमीटर का काम क्या है? वायु का दाब, प्रेशर मापना।
चलिए आप लोग बताइएगा विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 पूरा बोलिए। देखिए आप आपका एक आवाज जानते हैं, दूसरा व्यक्ति सुनेगा तो उसको क्या होगा, वो कंफ्यूजन हो जाएगा, और अच्छा से बोलिएगा तो उसको याद हो जाएगा, ठीक है? तो विक्रम संवत 58 में हुआ था, ठीक है? तभी क्या अभी बीपीएससी के जितना एग्जाम हो रहा है उसमें 57 आपको ऑप्शन में मिलता है, ठीक है? लेकिन इस पर आप कंफ्यूजन नहीं हो गया, 57-58 दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है? चलिए और सक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी, दोनों में अंतर कितना? आपसे बहुत बड़े क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों में अंतर कितने वर्ष का? 135 वर्ष का, ठीक है? दोनों को जोड़ दीजिएगा क्योंकि एक ईसा पूर्व में है, एक ईस्वी में है, ठीक है? तो ईस्वी पूर्व किसके घटना को कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म से जो भी पहले घटना हुई है उसको ईसा लिखता है, ठीक है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो आता है उसको एडी लिखता है, ठीक है? तो आप लोग बताइएगा पाक जल डब्ल्यूएच किन दो देशों के बीच में थी? भारत और श्रीलंका। श्रीलंका आप लोग देखिए श्रीलंका का राजधानी क्या है? जयवर्धने। कोटे। आप लोग बताइएगा किस देश का प्रशासन मतलब तीन राजधानी है? श्रीलंका भी और दक्षिण अफ्रीका भी है, ठीक है? दक्षिण काय भूल जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है? बताइएगा इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? भारत में अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी का आज पांचवा पुण्यतिथि था, तिथि है, ठीक है? है ना, पांचवा पुण्यतिथि आज उनका है, सदैव अटल। आप लोग बताइएगा तो उनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर 1925 को उनका जन्म, देखिए कितना अच्छा डेट है, 25 दिसंबर 1925 उनका जन्म है, ठीक है? और उनके जन्म दिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब तो देखा घूमर एक लोक नृत्य है, राजस्थान का है, घूमर राजस्थान का एक लोक नृत्य है। आप लोग बताइएगा उपसौर की स्थिति कब होती है? उपसौर 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी कम हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। देखिए याद करने का कितना अच्छा तरीका है, उपसौर है ना, इसको पहले छोड़ दीजिए, अप मतलब क्या होता है? ऊपर। जब दोनों के बीच में दूरी बढ़ेगा अप होगा, यानी अप सौर, कब होगा? 4 जुलाई को। एक याद करके रखिए, एक याद करके रखिए, ये 4 जुलाई को इसमें दोनों के बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी बढ़ जाती है तो अप हो जाता है, यानी बढ़ जाता है अप सौर। तो एक याद रहेगा तो एक अपने यहाँ याद हो जाएगा क्या? 3 जनवरी। अब नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। स्थापना कब हुआ था? 1949, ठीक है? आप बोले नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? भारत इसका सदस्य कब से है? नहीं है, नहीं है तो। नाटो का नहीं है? नहीं है। आप लोग बोलेगा? नहीं है तो। नहीं है। वो भी नहीं करेगा। आप बोलेगा? बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ? विधानसभा जो है ना, बिहार में पूछ रहे हैं, ठीक है? अभी कम से कम बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए। बिहार में पहली बार, आप कहिएगा कि बिहार तो कब बना है? बंगाल से 1912 में होगा, लेकिन बिहार से तीन और अलग हुआ है ना, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है? 15 नवंबर 2000 को। तो जब उड़ीसा बिहार से जब 1936 में अलग हुआ तो 1937 में बिहार में विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था, उस समय उसी को प्रांतीय चुनाव का नाम दिया गया था, ठीक है? तो याद रखिएगा बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ था? 1937 में। चलिए आप लोग बताइएगा 37 36 में उड़ीसा अलग हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा। इसका स्थापना कब हुआ? 2015। आप लोग बताइएगा क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्योटो कार्बन कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, यानी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है क्योटो प्रोटोकॉल का। ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो कहाँ पड़ता है? जापान में शहर है क्योटो। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997। चलिए आप लोग बताइएगा, तो ओजोन परत के और क्षय को रोकने के लिए भी एक आपका प्रोटोकॉल चलाया गया था, उसका क्या नाम है? मॉन्ट्रियल। ये मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। तो ओजोन जो परत है ना संरक्षण, ये सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज्यादा इसमें छिद्र हुआ है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग देखिएगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन का संकेत परमाणु संख्या 9। ठीक है, नौ। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। आप लोग बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला भारतीय सरोजिनी नायडू। तो तीन महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने थे कौन कौन? नेली सेन गुप्ता। नेली सेन गुप्ता, यही बात याद रखिएगा। नेली सेन गुप्त कब बने थे? 33 में। 1933। 8-8 साल का गैप जब हम लोग जीते करते तो देखो थे ऐसे पूरा। आप लोग देखा ऑपरेशन फ्लड का समय किसे? तो श्वेत क्रांति का समय किसे मनाया जाता है? भारत में जो फ्लड जो हुआ था ऑपरेशन फ्लड, इसकी शुरुआत किस दशक में हुई थी? ऑपरेशन फ्लड किस दशक में हुआ था? 1970 के दशक में। ठीक है, और ऑप्शन में भी यही सही रहेगा। ठीक, 1970 के दशक में। आप लोग बताइएगा किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? इजारा प्रणाली मतलब वित्त व्यवस्था को ठीक करने के लिए इजारा प्रणाली थी। वित्त अपने मतलब वित्त व्यवस्था को ठीक करने के लिए। ठीक है, इजारा प्रणाली की शुरुआत, और इल्तुतमिश मुगल काल में आता है। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? अकबर। इसका राइट आंसर, राइट आंसर आप लोग नहीं जानते हैं, जहानदार शाह। कौन है? जहानदार शाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, और अपने साम्राज्य में वित्तीय सुधार मतलब वित्तीय सुधार के लिए यह इजारा प्रणाली की शुरुआत किया था। ठीक है, और जहानदार शाह जुल्फिकार खान के सहायता से गद्दी पर बैठा था। जुल्फिकार खान के सहायता से, बात याद रखिएगा। चलिए आपको बताइएगा इंसुलिन का आविष्कार कब हुआ था? इंसुलिन 1921। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? इंसुलिन में क्या पाया जाता है? कौन सा धातु पाया जाता है? आप लोग बताइए। अरे इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है भाई, जस्ता। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जस्ता। और इंसुलिन का प्रयोग कब करते हैं? मधुमेह के रोग हो जाता है, तो व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है तो उसको इंसुलिन सुई जो चढ़ाया जाता है ना, जस्ता रहता है। ठीक है, और इसका खोज बेटिंग और बेस्ट का सबसे से एक है। ठीक है, आप लोग सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन कब दिए थे? 1905 में। ठीक है, आप लोग बताइएगा किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं? किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जानते हैं? आलमगीर के नाम से शाह आलम द्वितीय का बोलिए ना, जिंदा पीर और आलमगीर दोनों के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। तो जिंदा पीर याद है और आलमगीर को भूल जा रहे हैं। औरंगजेब। चलिए आप लोग बताइएगा मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? असम में है। आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से, ऐसे बताइए छोड़िए निम्नलिखित, किसका दरबारी कवि हरिसेन था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का था। तो हरिसेन
क्या लिखा था, कौन सा पुस्तक? इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति लेख। और इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति लेख में एक मुगल पर साग ठीक है, उसका भी लेख है। चलिए बहुत अच्छा, ऐसा ही तैयारी होना चाहिए। आप लोग देखा वास्को डी गामा जो जहाज लेकर भारत आया था, उस जहाज का क्या नाम था? गैब्रियल। जहाज का नाम था गैब्रियल। आप लोग बताइएगा तो हेक्टर भी जहाज को लेकर विलियम हॉकिंस जब भारत आया था जहांगीर के दरबार में, कब? 1609 में आया था ठीक है। तो हेक्टर मुंडो 1615 में आया था ठीक है। 1615 1609 में कौन आया था? सर थॉमस रो। थॉमस रो तो 15 में आया था, 1615 में आया था ना, तो वो आया था, तो हेक्टर नामक जहाज लेकर आया था ठीक है। भारत का गैरी बाल्टी किसे कहा जाता है? भारत का कहां से मेजनी हो जाएगा भाई? मेजनी भारत का कहां से हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बोलिएगा भारत का गैरी बाल्टी तात्या टोपे को कहा जाता है? तात्या टोपे को जानते हैं कौन थे? तात्या टोपे था ना, मतलब 1857 की क्रांति दिल्ली से ना, कानपुर से, कानपुर से, कानपुर से ठीक है। आप लोग बताइएगा दिल्ली से वक्त। चलिए कुछ संवैधानिक बता दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773। तो 1774 में भारत में कुछ हुआ था, क्या हुआ था? 1774 में कलकत्ता न्यायालय का स्थापना अपना हुआ था, तो उसके मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? एलिजाइम पे। आप लोग बताइएगा तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या कर दिया गया? एक अधिकार मिल गया उसको व्यापार का, कितना साल का? 20 साल का। अब 1833 में क्या किया गया? गवर्नर जनरल नाम दिया। किसको? गवर्नर को। गवर्नर जनरल था भारत का, गवर्नर जनरल भारत का ठीक है। आप लोग बताइएगा भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? 42वां संविधान ठीक है। आप लोग बताइएगा अलमाटी बांध किस नदी पर है? भारत का सबसे पुराना बांध कल्लानाई। कल्लानाई बांध, ग्रैंड अनिकुट बांध ठीक है। ग्रैंड अनिकुट ये कल्लानाई वही है सही है। आप लोग देखा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मित्र देश के साथ बताना है, कब? 8 अगस्त 1942 को। और 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और 9 अगस्त को गांधी जी को कहाँ जेल में, कौन सा जेल? आप लोग देखा जेल में था गांधी जी थे ठीक है। यरवदा सही है। आप लोग बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930। आप बताइए सत्याग्रह प्रकाश उपन्यास के लेखक? सत्याग्रह प्रकाश सरस्वती। कुछ कुछ आसान बताइए। तो आप लोग दयानंद सरस्वती सही है। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत में कागज का प्रयोग कब से शुरू हुआ? 1862। शताब्दी में बोलिए। 1920। अभी आप देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है बहुत सारा, अभी एग्जाम जो ले रहा है ना तो उसमें अभी अभी ले रहा है 13वीं शताब्दी ले रहा है। बीपीएससी के एग्जाम में ऑप्शन 12वीं शताब्दी नहीं था, तो जब 12वीं शताब्दी नहीं रहेगा तो 13वीं तो आदमी मान ही सकता है क्या? चलिए आप लोग बताइएगा दक्षिण भारत का तक कोलम का युद्ध कब हुआ था या किसके किसके बीच में हुआ था? तक कोलम का युद्ध तो ये किसके किसके बीच में बताना है आप लोग? कोलम का युद्ध जो हुआ था दक्षिण भारत कोलम का किसके किसके बीच में हुआ था? राष्ट्रकूट और ठीक है चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में यह युद्ध हुआ था। चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश, तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। आप लोग बताइएगा एलोरा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ? मुंबई। कौन सा वंश बनवाया था इसको? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश कहेगा कि राष्ट्रकूट वंश वंश न देकर अगर व्यक्ति दे
तो कौन बनवाया था? कृष्ण जनसाय कृष्ण वर्णम। ठीक है, अब ये खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। इसको कौन सा वंश बनवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने। ठीक है, लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। आप लोग बताइए, कलाम ने राज तरंग ने पुस्तक लिखा है। ठीक है, तो जब राज तरंग ने जो पुस्तक लिखे उसमें कुल तरंगों की संख्या कितनी है? राज तरंग मतलब राज 101 8 है। ठीक है, कुल तरंगों की संख्या कितनी है? 8। आप लोग देखा मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में है। गुजरात सूर्य मंदिर तो ऐसे कोणार्क में पड़े हुए हैं ना, हम लोग उड़ीसा में। एक मोढेरा है, कहाँ है? गुजरात में सूर्य मंदिर है। आपसे भी पूछेगा, आप नहीं पूछेगा, कोणार्क छोड़ देगा, क्योंकि सब कोई कोणार्क याद कर लिया है। तो आपसे पूछेगा कि जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है कहाँ स्थित है? गुजरात में। एक आपका सूर्य मंदिर आपका बिहार में भी है, और एक सूर्य मंदिर आपका जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है, और अस्तु के गुरु का क्या नाम था? प्लूटो। प्लूटो के गुरु का नाम? सुक्रात। आप लोग बताइएगा, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। फ्रांस का। फ्रांस के। और ट्रेविनस जर्मनी का। कब के थे 1800? 1800। आप लोग बताइएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक? थियोफ्रास्टस। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट। नहीं, पौधा पेड़ का नाम? लॉस। लंबा बता दीजिए। सिकोया। सिकोया लंबाई कितनी है? 120 फीट। आप लोग बताइएगा, आप लोग देगा समूह वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी साइंस में बायोलॉजी पर ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी से उठाता है और एग्जाम में। आप लोग देगा, मधुमक्खी के पालन करने क्या कहलाता है? किसी भी जानवर होगा या पशु पक्षी जो भी कहिए, उसके व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा? पशु का व्यवहार का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी नहीं, व्यवहार का अध्ययन तो इक्थियोलॉजी होता है। जैसे आप कहेगा कि इक्थियोलॉजी मतलब मछली के, मछली का अध्ययन करते हैं, पालन नहीं मछली का अध्ययन करते हैं, तो सिर्फ मछली का अध्ययन नहीं चलेंगे, इसमें पूरे जीव जंतु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। ठीक है, इथोलॉजी होता है इथोलॉजी, और इक्थियो हो जाएगा तो मछलियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपने कवर का अध्ययन क्या कहते हैं? नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? नींद। हिप्नोलॉजी कहते हैं। हिप्नोलॉजी कहते हैं। स्वप्न के अध्ययन को? स्वप्न के अध्ययन को। और सौंदर्य का अध्ययन? कैलोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन है। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास में धान में ना होता है? घास में। आप लोग बताइएगा, तो टमाटर से किस अम्ल का स्रोत मिलता है? मतलब पूछते हैं ऐसे भी कि ऑर्गेनिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? टमाटर। कौन है? टमाटर। चलिए आप लोग देखिएगा, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। आप देखिएगा, कैंसर कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। बहुत अच्छा, कैंसर शरीर में जो होता है ना चार प्रकार का होता है। तो बताइएगा, जो कैंसर जो होता है ना शरीर में, जितने समय में या जितने पीरियड में वह शरीर में प्रवेश करता है, उस पीरियड को क्या कहते हैं? उस पीरियड को क्या कहते हैं? उस समय को क्या कहते हैं? या कैंसर आपके शरीर में स्थापित होगा, उस आपके नहीं, वो ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, भगवान ना करे कि ऐसा मिडिल फैमिली में किसी को। ठीक है, तो कैंसर मानव शरीर में जो स्थापित होता है उस पीरियड को लैटेंट पीरियड कहते हैं। बहुत ज्यादा। ठीक है, उस पीरियड को क्या कहते हैं? लैटेंट पीरियड। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग ऐसे सुन रहे थे कि जैसे